एक बार अकबर और बीरबल बगीचे में बैठे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या तुम किसी ऐसे इंसान को खोज सकते हो जिसमें अलग अलग बोली बोलने की खूबी हो। बीरबल ने कहा, क्यों नहीं, मैं एक आदमी को जानता हूँ जो तोते की बोली बोलता है, शेर की बोली बोलता है और गधे की बोली भी बोलता है। अकबर इस बात को सुनकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने बीरबल को कहा कि अगले दिन उस आदमी को पेश किया जाए। बीरबल उस आदमी को अगले दिन सुबह दरबार में ले गए और उसे एक छोटी बोतल शराब पिला दी। अब हल्के नशे की हालत में शराबी अकबर बादशाह के आगे खड़ा था। वह जानता था कि दारू पीकर आया जानकर बादशाह सजा देंगे, इसलिए वह गिड़गिड़ाने लगा और बादशाह की खुशामत करने लगा। तब बीरबल बोले कि हुजूर, यह जो सजा के लिए डर से बोल रहा है वह तोते की भाषा है। उसके बाद बीरबल ने वहीं उस आदमी को एक और शराब की बोतल पिला दी। अब वह आदमी पूरी तरह नशे में था। वह अकबर बादशाह के सामने सीना तानकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि आप नगर के बादशाह हैं तो क्या हुआ, मैं भी अपने घर का बादशाह हूँ, मैं यहाँ किसी से नहीं डरता। बीरबल बोले कि हुजूर, अब शराब के नशे में निडर होकर यह जो बोल रहा है वह शेर की भाषा है। अब फिर से बीरबल ने उस आदमी का मुंह पकड़कर एक और बोतल उसके गले में उतार दी। इस बार वह आदमी लड़खड़ाते गिरते पड़ते हुए जमीन पर लेट गया और हाथ पांव हवा में भांजते हुए मुंह से उलूल जुलूल आवाजें निकालने लगा। अब बीरबल बोले कि हुजूर, अब यह जो बोल रहा है वह गधे की भाषा है। अकबर एक बार फिर से बीरबल की हाजिर जवाबी से प्रसन्न हुए और यह मनोरंजक उदाहरण पेश करने के लिए उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।